हिंदुस्तान में कारोबार करने वाली एयरलाइंस राहत की सांस ले सकती हैं, क्योंकि 26 फरवरी 2019 के बालाकोट में आतंकी कैंप पर भारतीय वायुसेना के हमले कार्रवाई के बाद पाकिस्तान ने अपना जो एयर स्पेस भारत आने जाने वाली उड़ानों के लिए बंद कर दिया था, भारत से यूरोप अमेरिका जाने वाली उड़ानों को अरब सागर के ऊपर से, जिसके चलते लंबा चक्कर लगाना पड़ रहा था, अब वो सब बंद हो गया। पाकिस्तान ने बंदिशें हटा दी और इसके लिए पहले वो जो शर्त रख रहे थे वो भी भारत ने नहीं मानी कि फाइटर जेट को वापस लेकर जाएं अग्रिम पोस्ट से। अब टाइम बचेगा, तेल बचेगा, मेरा भी बचेगा, मैं कल सुबह जा रहा हूँ वियना। आप में से जो भी वियना के आसपास हो ज़रूर मिलें मुझे, फेसबुक पे, ट्विटर पे संपर्क करें। कैसे बोलते हैं अंग्रेजी में, आई वुड लव टू कैच अप विद यू ऑल। खैर, मेरी फ्लाइट का टाइम बचा, बहुत सारे हजारों नागरिकों का बचा, लेकिन आम समझ यहाँ पर खत्म नहीं होनी चाहिए। हम लल्लन टॉप वालों की तो नहीं होती, हमें लगता है कि कुछ और भी तो जाने कि ये मसला था क्या, ऐसे कैसे पाकिस्तान ने हवा में नाका लगा दिया कि हमारे प्लेन नहीं जा पा रहे थे, और मान लीजिए नाका था तो हम प्लेन बाजू से गुजार लेते। सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या कभी भी कोई भी जमीन पर बसा मुल्क अपने हिस्से के आसमान पर इस तरीके से परचम लहरा सकता है अपने हुक्म का। आसान भाषा में आज यही सब जानेंगे। पहला सवाल, हवा में नाका कहां और कैसे लगता है, ये समझने के लिए हमें सबसे पहले समझना होगा कि हवाई जहाज हवा में रास्ता ढूंढता कैसे है। राइट ब्रदर्स, पहला प्लेन उड़ाया 17 दिसंबर 1903 को, लेकिन ऐसे हवाई जहाज बनने में कुछ वक्त लगा जो काम के हो, काम के यानी सुरक्षित तरीके से सामान या यात्री ढोने लायक जहाज। 17 फरवरी 1911 अमेरिका में पहली बार हवाई जहाज से 3 खत भेजे गए, जी 3 चिट्ठियां। धीरे धीरे हवाई जहाजों का इस्तेमाल चिट्ठियां लाने ले जाने के लिए ठीक से व्यापक रूप से होने लगा। तब हवाई जहाजों के लिए रेडियो सेट और रडार का इजाद नहीं हुआ था, आविष्कार नहीं हुआ था, तो पायलट जमीन को देखते हुए आगे बढ़ते थे, सड़क, नदी, पहाड़, खाई, उसका पैटर्न याद करते थे। दो बड़े शहरों के लिए उड़ान के लिए जो सबसे प्रचलित तरीका तब था वो था रेलवे लाइन के ऊपर ऊपर उड़ना। इसी के चलते उस जमाने में पायलट इन रेल की पटरियों को आयरन कंपस कहा करते थे, लोहे की और दिशा बताने वाली। पर इस तरीके में दो बड़ी दिक्कतें थी। पहली तो ये कि कई जगहों पर रेल लाइन सीधे रास्ते से नहीं जाती थी, इस चक्कर में हवाई जहाज को भी लंबे रास्ते से जाना पड़ता था। दूसरी और ज्यादा बड़ी दिक्कत यह थी कि इस तरीके से दिन में ही उड़ान भरी जा सकती थी, क्योंकि रात में तो जमीन दिखेगी नहीं। अमरीका ने इसका हल निकालने के लिए जमीन पर कॉन्क्रीट के बड़े बड़े तीर बना दिए। एक तीर 70 फीट लंबा होता, दिन में तकरीबन 16 किलोमीटर की ऊंचाई से नजर आने वाला ये पीले रंग का तीर दो शहरों के बीच एक सीध में होता था। रात के इंतजाम के लिए इन तीरों के बाजू में एक ऊंचा सा टावर बनाकर एक बीकन यानी लाइट भी लगा दी गई। रात में ये आकाशदीप आसमान से रोशनी की एक लकीर की तरह नजर आते थे। पर एक दिक्कत अब भी थी, बादल हुए तब क्या होगा। इसका इलाज तब हुआ जब हवाई जहाजों के लिए रेडियो सेट बने, पायलट अब रेडियो की बीप सुनते हुए उड़ने लगे। 1 जनवरी 1914 पहली विधिवत कमर्शियल एयरलाइन शुरू हुई। जब लोगों की जान की बात आई तो सुरक्षा पर ज्यादा ध्यान दिया जाने लगा। वक्त के साथ हवाई जहाजों में रडार इस्तेमाल होने लगा। जमीन से उन पर नजर बनाए रखने के लिए हवाई अड्डों पर एयर ट्रैफिक कंट्रोलर बिठाए जाने लगे। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर हवाई जहाज को उसके रूट पर बनाए रखता है, किस दिशा में कितनी ऊंचाई पर उड़ना है यह जमीन से बताता रहता है। हवाई जहाज का रूट कैसे तय होता है कि आपको दिल्ली से लंदन जाना है तो किस रास्ते से होके जाएंगे हवा में। हवाई जहाज जमीन में हमेशा सीधे नहीं उड़ते, प्लेन में बैठे बैठे आपने महसूस किया होगा प्लेन कई बार दाएं झुकता है, कई बार बाएं झुकता है, ऐसा करके प्लेन दिशा बदलता है। आप पूछें कि सीधा ही क्यों नहीं उड़ लेता, तो जवाब यह है कि आसमान जितना खुला नजर आता है उतना होता नहीं। पायलट को एक तय रूट पर ही उड़ना होता है। ये रूट तय करने के आधार जान लीजिए। पहला, रूट के वैज्ञानिक आधार होते हैं उड़ान की ऊंचाई, जमीन की बनावट, की नीचे पहाड़ है कि खाई, और मौसम। दुर्गम इलाकों और खराब मौसम वाली जगहों से बचा जाता है। इसके बाद ध्यान दिया जाता है प्लेन की माइलेज पर। ज्यादा बड़ी टंकी वाले जहाज ज्यादा अपेक्षाकृत सीधे उड़ते हैं, क्योंकि उन्हें तेल भरवाने के लिए बार बार जमीन पर नहीं आना पड़ता। जिन जगहों पर गोपनीयता की जरूरत होती है उनके ऊपर से हवाई रूट नहीं बनाए जाते, मसलन सैनिक अड्डे या रूट, इन जगहों के ऊपर के आसमान को रिस्ट्रिक्टेड एयर स्पेस कहा जाता है। सुरक्षा के मद्देनजर हवाई रूट राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री जैसे वीवीआईपी लोगों के आवास के ऊपर से भी नहीं बनाए जाते। कोई प्लेन किसी भी हालत में इन जगहों के ऊपर से नहीं उड़ सकता। इन्हें कहते हैं प्रोहिबिटेड एयर स्पेस। जब मोदी जी की शपथ ग्रहण का समारोह हो रहा था तब इसीलिए KCR और जगन रेड्डी नहीं आ पाए थे,
क्योंकि तब तक ये प्रोहिबिटेड स्पेस बन चुका था और उनके चॉपर को लैंड नहीं किया सकता, गुजारा नहीं जा सकता था आसमान में ऊपर से। यहाँ अगर प्लेन घुस जाए तो क्या होता है, वायुसेना फौरन कार्रवाई करती है। रूट में इस बात का ध्यान रखा जाता है कि हवाई जहाज एक दूसरे से टकराए नहीं, स्वाभाविक सी बात है। हवाई जहाज हमेशा ऐसे रास्ते से उड़ते हैं जहां से कोई ना कोई रनवे पास पड़ता हो, ये महत्वपूर्ण है, मेरे लिए भी नया था। दुनिया भर में सरकारों ने अपने अपने यहाँ नियम बनाए हैं कि एक खास किस्म का हवाई जहाज उड़ते हुए एक सुरक्षित रनवे से कितना दूर जा सकता है। ऐसा इसलिए किया जाता है कि किसी आपात स्थिति के वक्त हवाई जहाज को सुरक्षित तरीके से जमीन पर उतारा जा सके। इसलिए जो हवाई जहाज समंदर पर उड़ान भरते हैं वो उन द्वीपों के करीब करीब उड़ते हैं जिन पर रडार स्टेशन और एयर स्ट्रिप बनी हो। अमेरिका से यूरोप जाने वाले हवाई रूट ऐसे ही बने हैं। हवाई रूट बनाते हुए सबसे ज्यादा ध्यान इस बात पर दिया जाता है कि प्लेन रडार की रेंज से बाहर ना जाए। इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए बना हवाई रास्ता कहलाता है एयर रूट या एयरवे। पाकिस्तान से वापस आते हैं मूल मुद्दे पर। ऐसे 11 इंटरनेशनल एयर रूट निकलते हैं। इनमें से जो ज्यादातर ट्रैफिक है वो मध्य पूर्व का, यूरोप का या अमेरिका से भारत आने वाली फ्लाइट्स का होता है। बालाकोट स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान ने ये रूट बंद कर दिए थे। बाद में इनमें से सिर्फ दो को खोला गया जो पर्याप्त नहीं थे। पैसेंजर जेट हर हाल में एयर रूट या एयरवे पर ही उड़ते हैं। एयर रूट सिर्फ एक स्थिति में छोड़ा जा सकता है, जब कोई इमरजेंसी हो। एयर रूट के अलावा होते हैं एयर कॉरिडोर। ये सैनिक कारणों से बनाए जाते हैं और इनका पालन बड़ी सख्ती से कराया जाता है। अगला सवाल, पाकिस्तान के ऊपर से उड़ना क्यों जरूरी है? क्योंकि सीधा रास्ता वहीं से है, वहां से जाना सस्ता पड़ता है। लेकिन ऐसा नहीं था कि पाकिस्तान के चलते हमारा काम ठप हो गया। भारतीय फ्लाइट्स अरब सागर के ऊपर से उड़ रही थी लेकिन उन्हें नाहक तेल जलाना पड़ रहा था। एयर इंडिया को इससे सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा था, लगभग 500 करोड़ का घाटा उठा चुके थे। लंबा चक्कर लगाने के लिए कई लंबी नॉन स्टॉप फ्लाइट्स को भी मध्य पूर्व में कहीं उतार कर तेल भरवाना पड़ रहा था। अगला सवाल, हवा में कोई दादागिरी कर कैसे सकता है? संप्रभुता का सिद्धांत, इसके चलते हर देश का अपने आसमान पर हक होता है। अगर वो मना करे तो आप जबरन उसकी वायु सीमा में नहीं घुस सकते। अमूमन देश शांति के समय एक दूसरे की उड़ानों पर रोक नहीं लगाते, लेकिन कई बार वायु सीमा का इस्तेमाल दबाव डालने के लिए होता है। पाकिस्तान ने वायु सीमा इसीलिए बंद की थी क्योंकि उसे मालूम था कि इससे भारतीय कंपनियां घाटा उठाएंगी, वरना नुकसान तो उसे भी हो रहा था। आप पूछेंगे पाकिस्तान को कैसा नुकसान? तो सीन ये है कि पाकिस्तान को अपने ऊपर से गुजरने वाली उड़ानों से चुंगी मिलती थी और इस चुंगी को कहते हैं नेविगेशन चार्ज। प्लेन नहीं तो चुंगी नहीं। इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट है, उसके मुताबिक पाकिस्तान को हुआ नुकसान तकरीबन 685 करोड़ रुपए का है इस चुंगी ना मिलने के चलते। यानी चुंगी तो उनको भी लग गई। कभी कभी अंतरराष्ट्रीय वायु सीमा को लेकर किचकिच भी होती है। मिसाल के लिए साउथ चाइना सी, ये अंतरराष्ट्रीय एयर स्पेस है, लेकिन चीन चाहता है कि यहां से गुजरने वाला हवाई जहाज निकलने से पहले चीन को सूचित करे। चीन इन प्लेन्स को रोकता नहीं, कोई चुंगी नहीं मानता, लेकिन कहता है हाजिरी लगाओ, हमें पता होना चाहिए। मकसद, उसकी दादागिरी को स्वीकारता मिले। अमरीका जैसे ताकतवर मुल्क, उनके हवाई जहाज ऐसी दादागिरी के आगे नहीं झुकते। वायुसेना का इस्तेमाल रणनीतिक तरीके से भी होता है। जैसे 30 जनवरी 1971 को इंडियन एयरलाइंस का गंगा नाम का जहाज श्रीनगर से जम्मू के रास्ते में हाईजैक हुआ। इसे कश्मीरी आतंकवादी पाकिस्तान ले गए। बाद में यात्री छूटे लेकिन प्लेन को जला दिया गया। जवाब में भारत ने अपनी वायुसेना में पाकिस्तानी हवाई जहाजों के घुसने पर रोक लगा दी। नतीजा ये कि उस साल जब भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ तो पश्चिमी पाकिस्तान को अपनी फौज पूर्वी पाकिस्तान ले जाने में बहुत दिक्कत हुई। श्रीलंका के रास्ते जाना पड़ा, जिसने भारत को जीत दिलाने में मदद की। कुछ टिप्पणीकारों का कहना है कि यह दरअसल रॉ का प्लान था जिसमें पाकिस्तान फंस गया। कभी कभी देश की अपनी वायु सीमा का इस्तेमाल भी उसके खिलाफ हो जाता है। मिसाल के लिए सीरिया में जब हालात खराब हुए तो अमरीका ने सीरिया के आसमान में नो फ्लाई जोन घोषित कर दिया। इसका मतलब यह था कि अगर सीरिया पर कोई हवाई जहाज उड़ा तो अमरीका उसे गिरा देगा। यानी सीरिया ने अपनी एयरफोर्स का इस्तेमाल कर सकता था, न अपने दोस्त रूस से मदद ले सकता था। हवाई रास्तों और नाकों की कहानी में आज इतना ही। इति, क्योंकि हमको एक हवाई रास्ता लेना है। बाकी आप अपना, अपने परिवार का खूब ख्याल रखिए, सफ़र करिए ताकि नए नए हकीकतों से, नए नए खूबसूरत हादसों से वाकिफ होते रहें। शुभरात्रि।